सेन समाज की ओर से गुरुवार से 5 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। शहर के राठी जी की हवेली के सामने स्थित सनातन स्कूल में आयोजित कथा शुभारंभ से पूर्व श्री सेन समाज की ओर से कलश में शोभा यात्रा निकाले गए। श्री सेन समाज मंदिर से बैंड बाजों की धुन के साथ शुरू हुई यात्रा में विभिन्न रंगीन परिधारों में सजी धजी महिलाओं तथा श्वेत वस्त्र पहने पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं सिर पर श्री राम कथा पोथी धारण कर चल रहे पुरुष धर्म के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। श्री सेन मंदिर से शुरू हुई शोभा वे कलश यात्रा लोहरान चौपड़, लाल प्याऊ पाशवती, भैरू जी का खेचरा, तेलियान चौपड़, नया पास शाहपुरा मोहल्ला से होते हुए कथा स्थल सनातन स्कूल पहुंची। शोभा यात्रा के कथा स्थल पहुंचने के पश्चात कलश स्थापना की गई। इसके बाद व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक सत्यगोपाल महाराज ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ कथा का शुभारंभ करते हुए उपस्थित श्रोताओं को श्री राम कथा का महत्व बताया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशोर्ड गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड अशोर्ड गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।